इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति। अमरकंटक हमेशा से ही धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। यह स्थान भगवान शिव की भी तपस्या स्थली रहा है। नर्मदा मंदिर, सोनमुड़ा, माई की बगिया सहित जालेश्वर धाम के साथ साथ नर्मदा मंदिर से सटे पातालेश्वर शिवलिंग मंदिर से भी लोगों की आस्था जुड़ी है। तो चलिए आज आपको इस खास मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। पातालेश्वर महादेव का मंदिर नाम के अनुरूप ही पाताल यानी जमीन के अंदर ही स्थित है। मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी की सतह से लगभग 10 फीट की गहराई पर स्थापित किया गया है। मान्यता है कि पातालेश्वर शिवलिंग की जलहरी में प्रतिवर्ष श्रावण माह की एक सोमवार को मां नर्मदा यहां भगवान शिव को अभिषेक कराने पहुंचती हैं। आपको बता दें, अमरकंटक से ही नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। अमरकंटक भगवान शिव की तपस्थली भी है और माँ नम्रता को भगवान शिव की पुत्री के रूप में मान्य किया गया है। पुराणों में ये भी उल्लेख है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ यही रुके थे। नर्मदा मंदिर से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 100 मीटर की दूरी पर कलचुरी कालीन पातालेश्वर महादेव, शिव, विष्णु, जोहिला कर्ण मंदिर और पंच मठ मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों का निर्माण 10 से 11वीं शताब्दी में कलचुरी महाराज नरेश कर्ण देव ने कराया था। जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। पातालेश्वर महादेव का मंदिर 16 स्तंभों में आधार वाले मंडप सहित ये मंदिर निर्मित किया गया है। भूमिज शैली के पातालेश्वर महादेव मंदिर कई सदी पुराने होने से साधना स्थल के रूप में भी विख्यात है। माना जाता है कि इस शिव मंदिर में शिव साधना फलदायी होती है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।